तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कीइंग के बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए स्कीइंग करने से पहले। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इक्विपमेंट्स। सो एज यू कैन सी यू विल नीड स्कीइंग पोल्स, स्कीइंग बूट्स एंड स्कीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू पुट ऑन द स्की बूट्स। एंड जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से यू विल हैव टू पुट ऑन द स्की बूट्स। जब आप उनको पहन चुके हैं उसके बाद यू विल हैव टू टाइटन अप द क्लिप्स। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं वन बाई वन आप क्लिप्स को टाइट करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टाइट भी ना कर दें और बहुत ज़्यादा ढीले भी ना रखें। इन द परफेक्ट स्वीट स्पॉट अगर आप उनको रखेंगे तो आपको स्कीइंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद जब आपके शूज़ अच्छी तरह से सेटअप हो चुके हैं तो फाइनली यू विल हैव टू प्लेस योर स्की बूट्स ऑन द स्कीज। और थोड़ा सा पुश करने के बाद आपकी जो स्की है वो स्की बूट्स के साथ लॉक हो जाएगी एंड यू आर गुड टू गो। सो अगर आप स्की बूट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं अपने स्की पोल के साथ, जैसे मैंने दिखाया। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके स्की बूट्स में स्नो फंस जाएगी, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरह से कुछ स्नो को रिमूव कर दें ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये एक बेसिक सेटअप है आपके स्कीज़ को, आपके स्की पोल्स को कैरी करने का, जहाँ पर आप स्कीइंग करने जा रहे हैं वहाँ तक ले जाने का। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं शोल्डर पर कैरी करके लेके जा रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं स्कीइंग के साथ। तो सबसे पहला रूल है यू विल हैव टू फॉर्म एन ए। आपको ए फिगर बनानी है अपनी स्कीज के साथ, तब भी आप अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकेंगे। और गिरने से बिल्कुल भी नहीं डरना। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कश्मीर स्की स्कूल का, जिनकी मैं वेबसाइट और इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। तो उसके बाद आपकी मेन ट्रेनिंग ही है, जितनी आपकी विल पावर है, आपकी सीखने की जितनी कैपेसिटी है, आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपने स्की बूट से स्नो को रिमूव करने के लिए स्की का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्कीज़ को कैरी करने के लिए अप हिल रनिंग कर रहा था अपने शोल्डर्स पर स्की को रख के, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था। तो आप कुछ इस तरह से स्कीज़ को, स्की के एजेस को और स्की पोल्स को यूज़ करते हुए भी अप हिल जा सकते हैं, और ऐसे आप बहुत सारी एनर्जी अपनी सेव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप इट हेल्प सम ऑफ यू। See you again.